देश में कोरोना को लेकर हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। लॉकडाउन लगने का खतरा भी बढ़ गया है। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। नागपुर के अस्पताल में क्यों हुई तोड़फोड़ और कहां 60 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना हॉटस्पॉट। कोरोना के नए केस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 1,04,000 मामले सामने आने से सरकार से लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। थोड़ी राहत की बात यह है कि मौत के आंकड़े कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 477 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में राज्य में 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रविवार को एक दिन में 222 लोगों की मौत हो गई। इस बीच नागपुर के अस्पताल में एक भयानक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहां के जीएमसी अस्पताल में एक बेड पर कोरोना के 2-2 मरीज रखे गए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नागपुर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी मरीज आ रहे हैं, इसलिए बेड की कमी हो गई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद रविवार को जुहू बीच में लोगों की काफी भीड़ दिखी। कई लोग यहां बिना मास्क के नजर आए। हालांकि अब इस तरह के बीच और चौपाटी वाली जगहों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई में कल 11,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 25 लोगों की मौत हो गई। शहर में 66,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के होप अस्पताल में 29 साल की कोरोना से पीड़ित महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की और अस्पताल के रिसेप्शन पर तोड़फोड़ के बाद पेट्रोल जलाकर आग भी लगा दी। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाने के साथ 1.5 लाख का बिल नहीं भरने पर शव नहीं देने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर के आर्य कन्या विद्यालय के 7 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। प्रिंसिपल के कोरोना से संक्रमित होने के बाद छात्राओं का टेस्ट कराया गया था। हॉस्टल में अभी 25 छात्राएं हैं, जिनकी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। इस बीच दिल्ली में पहली बार इस साल एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 21 की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में 60 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से हड़कंप मच गया है। बच्चों की उम्र 14 से कम है। इस बीच पटना के कंकड़बाग इलाके में एक अपार्टमेंट में एक ही परिवार के 13 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। इस अपार्टमेंट को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कल मुंबई से पटना एयरपोर्ट पर उतरे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार कुंभ में साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से कोरोना संक्रमण में भी तेजी आई है। कृष्ण आश्रम में 7 साधु संतों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन साधुओं को आइसोलेट किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी किया जा चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से कोरोना नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। पंजाब में रविवार को 3,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में 341 नए केस सामने आने से शहर की चिंता बढ़ गई है। पंजाब के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। मॉल में भी 100 से ज्यादा लोगों को एक वक्त में आने पर पाबंदी है। इसके बाद भी नए केस की रफ्तार पर काबू नहीं हो पाया है। देश के 8 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 5,200 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 32 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में रोजाना 1,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। राजनांदगांव में अगले आदेश तक पहले ही आंशिक लॉकडाउन लगाया जा चुका है। रायपुर समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।